स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज एपिथीलियम टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं, ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने एपिथीलियम टिश्यू से रिलेटेड और भी जो इससे प्रीवियसली 4 पार्ट्स डाल रखे हैं उनको भी आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले एपिथीलियल टिश्यू को, क्योंकि अब हमको डिटेल में पढ़ना है कला उत्तक को, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका ओरिजिन कौन से भ्रूणीय परतों से हुआ है। तो याद रखना, एपिथीलियम एकमात्र ऐसा उत्तक है जिसकी उत्पत्ति तीनों जनन स्तरों से हो सकती है। तीनों जनन स्तर समझते ना, ऑल द 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। अब जैसे सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक्टोडर्म से, तो एक्टोडर्म से किसकी उत्पत्ति होती है, एपिडर्मिस की, राइट। स्पेशली जो स्किन एपिडर्मिस होती है ना, स्किन जब आप पढ़ते हो तो, अच्छा पढ़ते हो तो जानते हो ना, जो बाहरी भाग होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्किन एपिडर्मिस की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, एक्टोडर्म से हुई है। वापस से बोल रहा हूँ, एक्टोडर्म से उत्पत्ति किसकी हुई है, स्किन एपिडर्मिस से हुई है। स्किन एपिडर्मिस कैसी होती है, स्तरित शल्की उपकला, इट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथीलियम, राइट। दूसरा मेसोडर्म से किसकी उत्पत्ति हुई है, मेसोथीलियम की, और मेसोथीलियम जो है वो कैसी है, सरल शल्की उपकला होती है, सिंपल स्क्वाइमस एपिथीलियम। आप यूं भी कह सकते हो कि मेसोडर्म से सिलोमिक एपिथीलियम की भी उत्पत्ति होती है। सिलोमिक एपिथीलियम समझते हो, सिलोम को घेरे हुए उपकला, उसको क्या बोलते हैं, सिलोमिक एपिथीलियम। तो मेसोडर्म से मेसोथीलियम की उत्पत्ति होती है, ये सरल शल्की उपकला होती है, सिंपल स्क्वाइमस एपिथीलियम। और यदि हम सिलोम को घेरे हुए यदि उपकला की बात करें, जिसको कि सिलोमिक एपिथीलियम कहते हैं, उसकी उत्पत्ति भी कैसे हुई है, मेसोडर्म से हुई है। और एंडोडर्म से उत्पत्ति किसकी हुई है, एंडोडर्म से किसकी उत्पत्ति हुई है, गट एपिथीलियम या इनर लाइनिंग ऑफ गट भी आप कह सकते हो। गट एपिथीलियम समझते हो ना, जो हमारी आहार नाल है, उसका जो आंत्र वाला जो भाग है, राइट, उसकी जो उपकला है, उसकी उत्पत्ति किससे हुई है, एंडोडर्म से हुई है। ये जो गट एपिथीलियम होती है वो कैसी होती है, सरल स्तंभाकार उपकला होती है, सिंपल कॉल्यूमनार एपिथीलियम, राइट। कैसी होती है, सरल स्तंभाकार उपकला। एक बार रिपीट कर दें, एक्टोडर्म से स्किन एपिडर्मिस की उत्पत्ति होती है जो कि स्तरित शल्की उपकला है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथीलियम है। मेसोडर्म से मेसोथीलियम की उत्पत्ति होती है जो कि सरल शल्की उपकला है। हम ये भी कह सकते हैं कि सिलोमिक एपिथीलियम जो होती है, सिलोम को घेरे हुए जो उपकला होती है, उसकी उत्पत्ति किससे होती है, मेसोडर्म से होती है। और एंडोडर्म से किसकी उत्पत्ति होती है, गट एपिथीलियम की, यानी कि आंत्र को घेरे हुए जो उपकला होती है उसकी उत्पत्ति एंडोडर्म से हुई है। ये कैसी होती है, सरल स्तंभाकार उपकला होती है, सिंपल कॉल्यूमनार एपिथीलियम होती है, क्लियर। ये तो बात हुई किसकी भाई, ओरिजिन की। अब आ जाते हैं कि कोशिका परतों की संख्या के आधार पर, यदि मैं कोशिका परतों की संख्या के आधार पर यदि उपकला उत्तक का वर्गीकरण करूं, तो इस आधार पर उपकला उत्तक को 2 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 2 श्रेणियों में। सबसे पहला सरल उपकला उत्तक, सिंपल एपिथीलियम टिश्यू, और दूसरा जो है वो कौन सा है, कंपाउंड एपिथीलियम टिश्यू, यानी कि संयुक्त उपकला उत्तक। तो कोशिका परतों की संख्या के आधार पर उपकला उत्तक को 2 प्रकारों में बांटा गया है, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला सरल उपकला उत्तक, दूसरा जो है वो संयुक्त उपकला उत्तक है। अब सरल उपकला उत्तक को सरल क्यों कहा गया है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये कोशिकाओं की एक परत से बना, आप चाहें तो इसे एक परत ये भी कह सकते हैं, सिंगल लेयर, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की एक परत से बना। और ये वाला जो कंपाउंड एपिथीलियम है, इसको कंपाउंड या संयुक्त क्यों कहा गया है, ये कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक परतों का बना, आप चाहें तो इसे बहुपरतीय भी कह सकते हैं, इज इट क्लियर। तो ये कितनी है, कोशिकाओं की एक परत से बना है, राइट, इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, इट इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 लेयर ऑफ सेल्स, ये बहुपरतीय है, ये एक परतीय है, क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि ये सिंपल एपिथीलियम टिश्यू का फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शंस एज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज, शरीर के अंदर जितनी भी गुहाएं हैं
उनको घेरे हुए जो उपकला होती है कौन सी होती है, सरल उपकला होती है। शरीर के अंदर जितनी भी डक्ट्स हैं, शरीर के अंदर जितनी भी डक्ट्स हैं उनको घेरे हुए जो उपकला है वो भी सरल उपकला होती है। और शरीर के अंदर जितनी भी ट्यूब्स हैं, जितनी भी ट्यूब्स हैं राइट, उनको घेरे हुए जो उपकला होती है वो भी कौन सी होती है, सरल उपकला होती है। क्लियर? तो सरल उपकला ऊतक का फंक्शन क्या हो गया, इट फंक्शंस एज लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज डक्ट्स एंड ट्यूब्स। मतलब इसका मुख्य कार्य है शरीर की गुहाओं के चारों ओर, उनकी गुहाओं को चारों ओर से घेरे रखना, शरीर के अंदर जितनी भी डक्ट्स हैं उनको चारों ओर से घेरे रखना, और शरीर के अंदर जितनी भी ट्यूब्स हैं उनके चारों तरफ लाइनिंग की तरह काम करना, ये किसका है, सरल उपकला ऊतक का कार्य है। ठीक है? और यदि मैं बात करूं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू के संयुक्त उपकला ऊतक की, तो इसका कार्य जो है वो मुख्य कार्य इसका है सुरक्षा देना। इसका मुख्य कार्य क्या है, सुरक्षा देना। इसका मुख्य कार्य सुरक्षा देना, जैसे कि हमारी त्वचा के अंदर, हमारी त्वचा के अंदर ये जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू होता है, संयुक्त उपकला ऊतक होता है, और उसका काम क्या है, सुरक्षा देना। तो सुरक्षा देना है, तो ये देखो, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ये त्वचा की जो शुष्क सतह है उसको क्या करती है, ये वाली उपकला ढके रहती है। इट इज ऑल्सो कवरिंग द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल केविटी, जो मुख गुहा है उसकी नम सतह को चारों ओर से घेरे रखना। ये और भी किसको घेरे रखती है, इट ऑल्सो कवर्स द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द फेरिंग्स, ये जो हमारी ग्रसनी होती है उसको भी घेरे रहती है। ठीक है? इनर लाइनिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो हमारी लार ग्रंथियां होती है राइट, लार ग्रंथियां जो होती है, तो वो लार ग्रंथियां कैसी होती है, नलिका युक्त होती है, तो उनकी अंदर की जो भीतरी जो पूरी की पूरी जो लाइनिंग होती है उसको घेरे हुए भी कौन होती है, संयुक्त उपकला होती है। और साथ के साथ जो अग्नाशयी वाहिनियां हैं, पेनक्रेटिक डक्ट्स हैं, उनकी भी इनर लाइनिंग को घेरे हुए जो है वो कौन है, दैट इज द कंपाउंड एपिथेलियम। तो मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि कंपाउंड एपिथेलियम का काम है सुरक्षा देना, जैसे कि हमारी त्वचा में करती है, दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ये स्किन की ड्राई सरफेस को कवर करती है, ये बकल केविटी की मॉइस्ट सरफेस को कवर करती है, ये फेरिंग्स की मॉइस्ट सरफेस को कवर करती है राइट। इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ द पेनक्रेटिक डक्ट्स, जो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं और जो पेनक्रेटिक डक्ट्स हैं इनकी जो इनर लाइनिंग है वो जिस उपकला ऊतक की बनी है वो कौन सी है, संयुक्त उपकला ऊतक है। क्लियर? अब जो सरल उपकला ऊतक है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सरल उपकला ऊतक है उसको आकृति के आधार पर या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स के आधार पर, वापिस से बोल रहा हूं, सरल उपकला ऊतक को किसके बिहाफ के ऊपर, कोशिकाओं के शेप के बिहाफ के ऊपर, यानी कि कोशिकाओं की आकृति के बिहाफ के ऊपर, और कोशिकाओं की संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर, बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड ऑन द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, हम सरल उपकला ऊतक को चार श्रेणियों में बांटते हैं। कितनी श्रेणियों में बांटते हैं, चार श्रेणियों में राइट। सबसे पहला है सिंपल स्क्वाइमस एपिथीलियम, जैसे कि नाम दर्शा रहा है सिंपल स्क्वाइमस एपिथीलियम, सरल शल्की उपकला, पहला सरल उपकला ऊतक जो है वो कैसी है, सिंपल स्क्वाइमस एपिथीलियम, सरल शल्की उपकला है। दूसरा कौन सा है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम, सरल घनाकार उपकला। फिर तीसरा है सिंपल कॉल्यूमनार एपिथीलियम, सरल स्तंभाकार उपकला। और चौथा है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, आभासी स्तरित उपकला राइट, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। तो यदि मैं शेप के बिहाफ के ऊपर और कोशिकाओं के स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन के आधार पर देखूं, तो हमने सरल उपकला ऊतक को चार श्रेणी में बांटा है, सिंपल स्क्वायमस यानी कि सरल शल्की उपकला, सरल घनाकार उपकला, सरल स्तंभाकार उपकला और आभासी स्थलित उपकला। ठीक है? तो ये जो आज के वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा कि एपिथीलियम टिश्यू जो है उसका ओरिजिन कौन सी भ्रूणीय परतों से हुआ है, और कोशिका परतों की संख्या के आधार पर उपकला ऊतक कितने प्रकार का है वो अपन ने पढ़ा, साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि सरल उपकला ऊतक जो है वो आकृति के आधार पर और कोशिकाओं के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर कितने प्रकार का है, तो वो हमने कहा चार प्रकार का है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट सिक्स के अंदर हम ये जितने भी जो सिंपल एपिथीलियम टिश्यू के जो पार्ट्स हैं,
ये जो चार भी हमने पढ़े इनको हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। सो मैं उनका वीडियो जल्द ही अपलोड करूंगा, देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।